बिफोर 2 ईयर्स एगो आई हैड लॉस्ट माई फादर, लेकिन उनकी यादें आज भी मुझे बहुत सताती हैं। और इतना अकेला हो गया कि कभी मौका ही नहीं मिला अपनी बात कहीं रखने का, तो मेरी साथी कलम बनी और मैं अपने जज्बात लिखना शुरू कर दिया। तो आइए कुछ आपकी कुछ हमारी बात करते हैं, एक शुरुआत करते हैं। खाली कुर्सी तुम्हारी याद दिलाती है, कमरे में जाकर बस मुझको खाली कुर्सी वो दिखती है, कमरे में जाकर बस मुझको खाली कुर्सी वो दिखती है, हर जगह घूम कर ये नजरें उसी कुर्सी पर जा टिकती हैं। यूं लगता है वही बैठकर मुझको आवाज लगाते हो, यूं लगता है वही बैठकर मुझको आवाज लगाते हो, खाली कुर्सी देख के पापा तुम याद बहुत ही आते हो। एक अंधकार सा छाया है दिल मना रहा हर पल मातम, एक अंधकार सा छाया है दिल मना रहा हर पल मातम, आंखें हैं तुमको खोज रही पर आते ना हो कभी अब तुम, खामोशी सी छाई रहती है तुम भी तो ना मुझको बुलाते हो, खाली कुर्सी देख के पापा तुम याद बहुत ही आते हो। है कमरा खाली पड़ा हुआ, चीजें भी मरी हुई सी हैं, खुशियां हैं कहीं पर छिप सी गई, लगता है डरी हुई सी हैं। है कमरा खाली पड़ा हुआ, चीजें भी मरी हुई सी हैं, खुशियां हैं कहीं छिप सी गई, लगता है डरी हुई सी हैं। अब तो तुम भी मुझको कभी डांट के नहीं डराते हो, अब तो तुम भी मुझको कभी डांट के नहीं डराते हो, खाली कुर्सी देख के पापा तुम याद बहुत तब आते हो। माँ की सोनी मांग देखकर आंखें मेरी भर भर जाती हैं, माँ की सोनी मांग देखकर आंखें मेरी भर भर जाती हैं, साथ छोड़ दिया उनका जो आपकी जीवन साथी है, साथ निभाने का वादा तुम आकर क्यों ना निभाते हो, खाली कुर्सी देख के पापा तुम याद बहुत ही आते हो। छोटी बहन है, अभी इस साल उसकी शादी मैं करवाने वाला हूँ, तो छोटी बहन है खड़ा करती पहाड़ हर रोज सवालों का, छोटी बहन है खड़ा करती पहाड़ हर रोज सवालों का, तूफान सा चलता रहता है मन में आपके ख्यालों का, कमी का यूं एहसास दिलाकर क्यों हर पल हमें सताते हो, खाली कुर्सी देख के पापा तुम याद बहुत ही आते हो, खाली कुर्सी देख के पापा तुम याद बहुत ही आते हो।